नमस्कार, स्वादिष्ट किचन विथ रिंकी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पोहा खीर। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। फुल क्रीम मिल्क आधा लीटर, पोहा आधा कप जिसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, 3 इलायची का पाउडर है, कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, 70 से 80 ग्राम चीनी। तो चलिए पोहा खीर बनाना शुरू करते हैं। पहले कढ़ाई में मिल्क डालेंगे और मिल्क को गर्म करेंगे एक उबाल आने तक। मिल्क में एक उबाल आ चुका है, अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इसी के साथ पोहा डाल देंगे और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने मीठापन के हिसाब से डालिए, मैं इसमें 70-80 ग्राम के करीब चीनी डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम में इसे हम बनाएंगे और इसे एक दो मिनट के बाद बाद चलाते रहेंगे। हम मिल्क को तब तक उबालेंगे जब तक मिल्क गाढ़ा हो जाए और पोहा अच्छी तरह से नरम हो जाए। पोहा हमारा नरम हो चुका है और मिल्क भी गाढ़ा हो चुका है, अब इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे मिक्स करने के बाद एक दो मिनट तक और उबाल लेंगे। हमारा खीर बनके तैयार हो चुका है, अब इसे हम सर्व करेंगे और मैं इसे थोड़ा पतला रख रही हूँ क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के गार्निश कर देंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हर रोज़ नए वीडियोज़ के लिए।